वेलकम फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोग से वादा किया था, मीन्स आज हम लोग पढ़ेंगे, वेलकम टू आवर चैनल सबसे क्लासेस। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे अराइवल ऑफ इंग्लिश मैन इन आवर कंट्री। ठीक है, अंग्रेजों का भारत आगमन। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा पुर्तगाल, पढ़ लिया डच, पढ़ लिया। ठीक है, अब थोड़ा बहुत अंग्रेज के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है, उन्होंने एक फरमान जारी किया 31 दिसंबर 1600 में, एक रॉयल चार्टर, ठीक है, जिनका नाम रॉयल चार्टर, ठीक है, कर 15 वर्षों के लिए एक पूर्वी देशों में एक अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, उनको एक जारी करके उनको एक अधिकार दिया। ठीक है, तभी उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कुल 217, ठीक है, साझेदार थे, मीन्स उसमें उसका ये पार्टिसिपेंट थे। ठीक है, 217 कंपनी सारे मिलकर चला रहे थे, और 1708 ईस्वी में एक कंपनी, मतलब 1708 ईस्वी में एक ये कंपटीटर थे जिसका नाम, कंपनी का नाम था न्यू कंपनी। ठीक है, वो उस समय उसका विलय हो गया था। ठीक है, मतलब वो ये खत्म हो गया था। तो फिर 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में क्या होता है, ब्रिटेन के जो सम्राट, ठीक है, ब्रिटेन के जो सम्राट, उनका नाम था जेम्स प्रथम। ठीक है, ब्रिटेन के जो सम्राट थे उनका जेम्स प्रथम, उन्होंने क्या करता है, एक राजदूत को हमारे कंट्री में भेजता है। ठीक है, तो उस समय जो मतलब उनका एक्चुअली मोटो था व्यापार करने के लिए, अपने राजदूत को जहांगीर के दरबार में भेजता था। ठीक है, और जिस ये आपका जिस राजदूत को भेजता है उनका नाम कैप्टन हॉकिंस है। ठीक है, आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या होता है, वो जहांगीर के दरबार में आते हैं। ठीक है, और उसके बाद उनसे फारसी में बात करते हैं। ठीक है, और फारसी में मीन्स जहांगीर तुर्की और फारसी के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। ठीक है, उनको बहुत अच्छा से वो लैंग्वेज आता था। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, 1609 ईस्वी में, ठीक है, हॉकिंस ने जहांगीर को से एक मिलने का ये मीटिंग रखता है दोनों के आपस में, और अजमेर में उनकी मीटिंग होती है। ठीक है, और उनसे बात होती है कि मेरे को अजमेर में अपना फैक्ट्री चलाने के लिए मेरे को जगह चाहिए। ठीक है, बट वहाँ के जो स्थानीय लोग थे इसका भरपूर वहाँ का विरोध करता है, बट उसे वहाँ पर उस टाइम में उनको नहीं मिलता है। ठीक है, 1609 ईस्वी में। फिर आपका 1611 ईस्वी में एक जहांगीर का ही एक कैप्टन था, अंग्रेज कैप्टन, ठीक है, जिनका नाम मिडलटन था। ठीक है, मिडलटन, ठीक है, उन्होंने क्या करता है, एक पुर्तगाली से युद्ध करके एक जहाज बेड़ों को पराजित करता है। ठीक है, मतलब एक फाइट होता है उसमें, तो वो क्या होता है, वो जो इनिशिएटिव होता है जहांगीर को बहुत इफेक्ट करता है, मतलब प्रभावित करता है। ठीक है, प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है, जहांगीर उसे खुश हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसको वहाँ पे 1613 ईस्वी में, ठीक है, सूरत में उनको फैक्ट्री ये करने का अनुमति दे मिल जाता है, मतलब फैक्ट्री लगाने का अनुमति मिल जाता है। ठीक है, स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति उसको मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर एक नया 1615 ईस्वी में एक जेम्स प्रथम, ठीक है, नाम का एक जो वहाँ के सम्राट थे, जैसे ये आपका यहाँ पर आपका जो ये जो सम्राट थे जेम्स प्रथम, फिर से जेम्स प्रथम ने दूसरे दूत को भेजता है यहाँ पे, जिनका नाम सर थॉमस है। ठीक है, सर थॉमस रो, ठीक है, वो पहुँचते हैं और मुगल भागों में सारे बहुत सारे मतलब जगहों में व्यापार करने की और रहने की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, वो जो जगह है, ठीक है, वो जो जगह का जो नाम था, उस जगह का नाम है आगरा, अहमदाबाद और आपका भरूच। ठीक है, तो वो सारे इस तीनों जगह में उन्होंने फैक्ट्री चलाने का अनुमति उनको प्राप्त मिल जाता है, और स्थाई मतलब परमानेंट सेटलमेंट का उनको ये मिल जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होता है, 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में एक फैक्ट्री का निर्माण करता है। ठीक है,
उसके बाद 1639 ईस्वी में मद्रास तथा 1651 ईस्वी में हुगली में भी नए फैक्ट्री का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे कैसे वो अपना वो विस्तार कर रहे हैं। उसके बाद पूर्वी भारत में सबसे पहला जो कारखाना खुला था वो 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर में खोला गया था। ठीक है, तब उसके बाद बंगाल तथा बिहार में खोला गया था। इसको याद रखना है, हमेशा ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1661 ईस्वी में 61 ईस्वी में इंग्लैंड के जो सम्राट थे, ठीक है, अब एक नया चीज़ ये क्वेश्चन नया है। ठीक है, जो उस समय इंग्लैंड के जो सम्राट थे वो चार्ल्स द्वितीय थे। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय ने क्या करता है, वो एक पुर्तगाली से राजकुमारी से जिनका नाम कैथरीन था, ठीक है, उनसे शादी कर लेता है। ठीक है, और उनको दहेज के रूप में बम्बे को भेंट देता है, किनको, इंग्लैंड के जो सम्राट थे। ठीक है, तो अब वो इंग्लैंड क्या हो जाता है, इंग्लैंड को थोड़ा सा और वहाँ का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब और थोड़ा इंग्लैंड मजबूत हो जाता है, और उसके बदले में बम्बे को दहेज में मिल जाता है, जिसके चलते जिसके तरफ से उसको 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को मतलब वो दे देता है। ठीक है, अब उसके बाद अंग्रेज का देखिए रोल, अंग्रेज फिर 1639 में मद्रास में जमीन के पट्टे पर लेकर कंपनी की स्थापना, इसे ही फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज का दर्जा दिया जाता है, मतलब मद्रास में जमीन को पट्टे पर ले लेता है और वहाँ पे कंपनी का स्थापना करता है, इसी चीज़ को फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज का दर्जा दिया जाता है। ये हमेशा पूछते हैं फोर्ट ऑफ सर जॉर्ज सेंट जॉर्ज किसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर धीरे धीरे अंग्रेजों क्या करता है, मुगल की जो राजनीति है वहाँ पे अपना हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या करता है, 1686 ईस्वी में हुगली को वो लूट लेता है। ठीक है, मतलब देखिए वहाँ से अब उसको मतलब उसका ये वो करना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो हुगली को वो क्या करता है, लूट लेता है, और जिससे कि मुगल सेना, ठीक है, के साथ युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है, संघर्ष होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उस समय जो वहाँ पर जो मुगल सेना मतलब शासक थे वो औरंगजेब थे। ठीक है, तो औरंगजेब ने उसका अच्छा से मुंहतोड़ जवाब देता है, जिसके चलते वो लोग उसके हाथ से विशाखापट्टनम, मसूलीपट्टनम और सूरत से उनको वहाँ से उनका उस जगह से उनको हाथ धोना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर से वो गिड़गिड़ाने लगते हैं मुगल के सामने, और फिर ये आपके जो औरंगजेब थे उन्होंने क्या करता है, वो क्या करते हैं, 1,50,000 रुपये हरजाना लेकर उसको फिर से पुनः उसको व्यापार करने की मतलब परमिशन उनको मिल जाती है। उसके बाद उसको वहाँ पर फैक्ट्री लगाने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है क्या, 1717 ईस्वी में, ठीक है, मुगल सम्राट जो थे फरुखा सियार, ठीक है, फारूक सियार का एक मतलब उनको एक बीमारी था, उसका जो सफल जो इलाज करते हैं उनका नाम था एक अंग्रेजी डॉक्टर, ठीक है, उनका नाम आपका विलियम हैमिल्टन। ठीक है, उसका ये अच्छा से ये करते हैं मतलब उनका इलाज करता है सक्सेसफुल, जिससे फारूक सियार क्या करते हैं, उससे प्रभावित होकर बहुत सारे जगह में जो मतलब अंग्रेज को जितना सारा ये दिया जाता था, मतलब 3,000 रुपये मतलब सालाना उनको देना पड़ता था व्यापार करने के लिए, तो उसको क्या करता है, वो फ्री कर देता है। ठीक है, फारूक सियार निःशुल्क कर देता है। ठीक है, तथा बम्बे में जो टकसाल, ठीक है, टकसाल इन द सेंस मतलब नोट का जो फैक्ट्री थी, ठीक है, जो वहाँ पे आपका जहाँ पे मुगल सिक्का का ये होता था मतलब ये बनाया जाता था, ठीक है, उसको भी ये कर लेता है। ठीक है, इसी सारे अधिकार को मतलब उनको जो फ्री सारे कुछ मिल जाता है, इसी अधिकार को हम लोग बोलते हैं महाअधिकार तथा या मैग्ना कार्टा। ठीक है, सो जो भी आपका अंग्रेज जो आए थे, थोड़ा बहुत हम लोग ब्रीफ में इसका नॉलेज कर ले लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भारत में फ्रांसीसी का आगमन। ठीक है, थोड़ा बहुत फ्रांसीसी के बारे में हम लोग देखेंगे, अराइवल ऑफ फ्रांसीसी इन आवर कंट्री। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल्स अक्षय क्लासेस। ओके, थैंक यू।